कि कोई वर्क करने से पहले हम लोग सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं, हम लोग जॉब ओरिएंटेड वर्क सीखना चाहेंगे इस कोर्स में, ताकि हम लोग सिर्फ टूल नहीं सीखेंगे, हम लोग कुछ इसके एज वेल एज कुछ वर्क भी बनाना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये सारे ऑब्जेक्ट में डिलीट कर देता हूं और बढ़ते हैं आगे। जैसे मैं यहाँ लाइन टूल के ऊपर, जैसे आप जानते हो कोई भी कोर्स सीखने से पहले आपको लाइन टूल तो आना ही चाहिए, तो लाइन टूल के ऊपर मैं टॉप व्यू पे एक बॉक्स बना लेता हूं, जो कि यहां से लेना है तो मुझे कीबोर्ड पे 0 एंटर कर देना होगा, तो यहां से ले सकता हूं मैं आगे। अब यहां पे जैसे ऑटोकैड में करते थे वैसे करना है। अगर मैं यहां पे ऊपर लेता हूं तो मुझे 20 यानी कि 20 ऊपर लेना है, तो देखो यहां तक हम लोग आ चुके, यहां पे 20 आ चुका है, लेकिन ये डायरेक्टली क्लिक नहीं होगा, हमें यहां क्लिक करना होगा, देखो आ गया। और यहां भी 20 चाहिए तो हमें यहां पे 20 टाइप करना होगा और एंटर करना होगा, लेकिन यहां पे आएगा नहीं, यहां पे देखो पॉइंट दिखाएगा, सिर्फ आपको कहीं पे भी क्लिक कर देना है तो देखो 20 आ जाएगा। मैं नीचे 10 लेता हूं तो 10 एंटर लेता हूं तो देखो ये पॉइंट आ जाएगा। हमें ऊपर लेना है, कौन से साइड में लेना है, मुझे ऊपर लेना है क्लिक, और ये साइड में फिर से 20 लेना है तो देखो 20 आ जाएगा। अब देखिए यहां पे मुझे क्लिक करना होगा माउस से, तभी ये 20 का हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये दिखाई देगा। फिर हमें नीचे जाना है 30 यानी कि 30। आपको मैं जो भी टाइप कर रहा हूं ये यहां पे जो हमारा कमांड पैनल है वहां पे दिखाई देगा, और जैसे क्लिक करके मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पे टच कर देता हूं तो ये टच भी कर सकते हो या आप ऑटोकैड के जैसा सी करके एंटर कर सकते हो, यानी कि सी प्रेस करके एंटर कर सकते हो, तो ये क्लोज भी हो जाएगा। तो आपके ऊपर है आप ये ऑब्जेक्ट कैसे बनाना चाहते हैं। जैसे मैं टॉप व्यू के ऊपर डबल क्लिक कर देता हूं तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है विथ हमारे मेजरमेंट के जरिए, लेकिन हम लोग ने इसको सही तरीके से बनाया कि नहीं ये देखेंगे। उसके लिए हमें जाना है डायमेंशन पे। मैं टॉप व्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो इसके डायमेंशन ले लेता हूं,